आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के रेलवे स्टेशन रोड पर चुनाव कार्यालय का भाजपा नेताओं ने उद्घाटन किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा आदि ने नैनीताल उधम सिंह नगर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लोकसभा चुनाव कार्यालय का हवन यज्ञ कर उद्घाटन किया। इसके पश्चात नेताओं ने अब की बार 400 पार के नारे के सपने को साकार करते हुए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है और यही कारण है कि वह अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी है। प्रत्येक कार्यकर्ता अगले 5 वर्षों के लिए नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने को लेकर संकल्पित। हमारे देश की जनता अब की बार 400 पार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर संकल्पित है। और वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल, जैसा हम सब लोग जानते हैं, इस देश की 135 करोड़ जनता को समर्पित रहा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 135 करोड़ जनता को अपना परिवार माना और वास्तव में उनके द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई वो 100% धरातल पर उतरी। और देश का जो शोषित वंचित समाज था, जो अपने जीवन को जीने में उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उनके जीवन स्तर को लगातार ऊपर उठाने का काम किया। और आज विश्व के अंदर वास्तव में भारत की छवि बहुत तेजी के साथ चमकी है और आज पुनः भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और जैसा नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी सपने को साकार करने के लिए आज देश की जनता कमर कस चुकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार हमारे सांसद अजय भट्ट जी लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव जीते थे और इस बार यानी 2024 का जो चुनाव होगा 5 लाख से अधिक मतों के साथ इस लोकसभा चुनाव को जीतने का। भारतीय जनता पार्टी के जैसे प्रत्याशी और उसमें हमारे सांसद श्री अजय भट्ट जी की घोषणा हो चुकी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज काशीपुर विधानसभा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और जिसमें कि कार्यकर्ताओं ने पूरा आपको उत्साह दिख रहा है और भरपूर उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं और पिछली बार से एक प्रण लेकर के दूसरी बार से काशी विधानसभा से जो है उससे ज्यादा वोटों से जीत दिलवाकर इस लोकसभा क्षेत्र को पिछली बार के मैं सोचता हूँ कि लगभग 3 लाख रुपये 3 लाख वोटों की जीत थी, उसको 5 लाख वोट पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इससे लग चुका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।